आज हम रिवीजन करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। कि जैसे आपने बहुत से मटेरियल्स देखे होंगे जो हमारी बेसिक्स नीड्स जरूरत होती है जिसको, है ना, तो उनमें क्या होता है, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैनमेड होते हैं। अब आपको क्या करना है, जो नेचुरल होते हैं उनको इस कॉलम में लिखेंगे और जो मैनमेड होते हैं उनको इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होता है, जैसे इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो हमारी अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनएक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो अनलिमिटेड हमारी अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी यूज करो वो खर्च नहीं होंगी, है ना। जैसे सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स है और एयर कभी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स है। हम हवा को जितना यूज करेंगे उतना ही हवा वापस आ जाएगी, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले रिसोर्स जिन्हें क्या कहा जाता है, इनएक्सिस्टेबल नेचुरल। हाँ बेटा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। और एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना, हमारे नेचर के अंदर वो रिसोर्सेस जो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे उससे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। इसके एग्जांपल कैसे क्या है, यस, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, है ना, फॉरेस्ट। ये क्या होगा, एक समय आने के बाद क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब हम पेट्रोल को ज्यादा यूज करेंगे, खत्म हो जाएगा, ज्यादा यूज करेंगे तो पेट्रोल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हम जानवरों को मारते जाएंगे। हाँ वेरी गुड, जानवरों को मारते जाएंगे। जैसे हमने तो अभी डायनासोर की प्रजाति देखी भी नहीं है और डायनासोर हमारे ये से पूरे वर्ल्ड से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, है ना। डायनासोर के हमें केवल कंकाल दिखे हैं और एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि डायनासोर ऐसा होता है। तो एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि हमारी अर्थ पे समझ में आया, yes, ma'am. Okay. एक मिनट बेटा, मैं है ना, या yes, तो ma'am. रिमूव होगी क्योंकि आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम में है। Very good, Dash Kanti. Okay. समझ में आया? Inexhaustible और exhaustible क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे? Inexhaustible मैम जो कि है ना हमारी पूरी अर्थ में अनलिमिटेड है, हम जितना भी खर्च करें वो कभी खत्म नहीं होगी। और exhaustible वो है जो कि लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। वेरी गुड, हर्ष के लिए क्लैपिंग करेंगे सब। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको 3 कंटेनर लेने हैं या प्लास्टिक बैग्स या पेपर बैग्स लेने हैं। इसमें आपको क्या करने हैं, ग्राम, पीनट्स, रोस्टेड नट्स, ये सब चॉकलेट्स, ये सब डालने हैं।
और वहां पे सात मतलब ग्रुप लेना है और आपको उसमें किसमें तीन भागों में उसको डिवाइड कर देना है, चार चार स्टूडेंट को। अब पहले वाले अब इसमें तीन ग्रुप में आप डिवाइड करोगे तो तीन वाले आप क्या करोगे, पहले वाले को वो पैकेट दोगे खाने के लिए, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो किसको मिलेगा, दूसरे वालों के लिए बच जाएगा, दूसरी जनरेशन के लिए बच जाएगा। अगर दूसरी जनरेशन में अगर पूरा खा लिया तो क्या वो तीसरी जनरेशन को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। नो मैम, दूसरी जनरेशन में पूरा खा लिया उसको तो उसको नहीं मिल पाएगा, जबकि चौथी ये तीसरी जनरेशन के पास जब उसको मिलेगा, जब सेकंड जनरेशन उसके लिए थोड़ा छोड़ देगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना ही है कि हमें क्या करना चाहिए कि लिमिटेड अमाउंट में कोई भी चीज यूज करनी चाहिए, जो एग्जेस्टिबल है वो हमारे को लिमिटेड यूज करना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को कम यूज करना चाहिए, पेट्रोल के स्थान पे क्या किसका यूज करना चाहिए, साइकिल का यूज करना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ दी पीपल्स क्या करते हैं, साइकिल का यूज नहीं करते, वो इसका यूज करते हैं, गाड़ियों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो भी लिविंग और जो डेथ ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कौन बताएगा कि यहाँ पे कोयले की स्टोरी क्या है, कोयला कैसे बनता है। मैम अबाउट जब 300 साल पहले जब जो सारे फॉरेस्ट वगैरह जो ढलान में आ गए थे और वो जमीन में दब गए थे, तब कई सौ साल बाद जब उन्हें खोला गया था तो जो पेड़ वगैरह थे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक मिनट, यस, इसमें क्या लगभग 300 साल पहले क्या हुआ करते थे, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो डेंस फॉरेस्ट का जो लो लाइन एरिया होता है, जैसे ढलान की तरफ जो एरिया होता है, तो ढलान की तरफ जो एरिया होता है, जैसे हमारे में कुछ एरिया ढलान की तरफ होते हैं, तो वहां क्या जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। तो उस पानी पे क्या होता है, मिट्टी इकट्ठी होती जाती है और वहां पे जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे ही वो प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जगह पे, और हाई प्रेशर लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, जिसकी वजह से वो डेथ प्लांट्स और डेथ एनिमल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। हजारों लाखों साल बाद वो किसमें कन्वर्ट टर्न हो जाते हैं, कोयले में टर्न हो जाते हैं। समझ में आया प्रियांशी बेटा, आपको समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया मैम? 300 साल पहले जो एनिमल और ट्री थे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना? अब इस हाँ प्रियांशी, आपको क्या समझ में आया बेटा बताओ? हर्ष आप बताओ। मैम करीब 300 मिलियन ईयर्स
पहले जब ना वो हमारी पृथ्वी ढलान की साइड थी जो, तो पेड़ एनिमल्स थे वो जमीन में दब गए थे पानी की वजह से, और करीब लाखों हजारों साल पहले जब उन्हें खोदा गया था तो वो कोल में कन्वर्ट हो गए थे। Yes, वो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हाई प्रेशर हो गया था और हाई टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। यस, अब कोक क्या होता है, एक पोरस सा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। अब इसे प्योर किया जाता है कार्बन से और ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किसकी, स्टील की, और मेटल्स बनाए जाते हैं इसमें। अब कोल तार क्या होता है, कोल तार लगभग एक काले कलर का लिक्विड होता है जिसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत बदबूदार स्मेल होती है। और इसमें कितने सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अब इसमें इसको यूज किया जाता है कोलतार के लिए, रोड बनाने के लिए कोलतार का यूज किया जाता है, और कोलतार से ही इंडस्ट्री में सिंथेटिक डाइज बनाई जाती है, ड्रग्स बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाई जाती है, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं, और जो छत के मटेरियल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब मुझे बताओ कोलतार की जगह किसका यूज किया जाता है अभी, डामर की जगह किसका यूज किया जाता है अभी, बिट्यूमिन, आश याद आया? यस मैम। कोलतार भी बिट्यूमिन का यूज क्यों किया जाता है मैम? क्योंकि वो कोलतार होती है वो ज्यादा सूरज की वजह से ज्यादा गर्म हो जाती है, और जब उसमें जो भी व्हीकल चलते हैं उनके वो टायर वगैरह फट जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, इसलिए मैम आज बिटुमाइन का यूज किया जाता है। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, कीप इट अप। प्रियांशी अब ये अभी कोलतार की जगह किसका यूज किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, बिटुमिन का यूज किया जाता है। जो कोलतार होता है उसका यूज इसलिए नहीं किया जाता है कि कोलतार क्या होता है, जैसे गर्मी जो बहुत ज्यादा पड़ती है तो कोलतार क्या होता है बहुत गर्म हो जाता है, और जैसे उस पे टायर चलते हैं उस सड़कों पे तो बस्ट होने का डर रहता है, इसलिए कोलतार की जगह किसका यूज किया जाता है प्रियांशी? बिट्यूमिन का यूज किया जाता है। अब कोल गैस क्या होती है, कोल गैस जो कि स्ट्रीट लाइट्स में पहले के जमाने में यूज की जाती थी, जो कि लंदन में सबसे पहले कोल गैस का यूज कब हुआ था, लंदन में हुआ था 1810 में, न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ 1820 में। अब इन दिनों कोल गैस का यूज हीट के लिए किया जाता है। अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है पहले तो मुझे ये बताओ, पेट्रोलियम में होता क्या क्या है? मैम पेट्रोलियम में वाटर, ऑयल, गैस। वाटर कहाँ आए हैं? रॉक, ऑयल, गैस, डीजल। पेट्रोलियम में होता है गैस, पेट्रोल, डीजल, देखो यहाँ अंडरलाइन तैयार कराया हुआ है आपको, पेट्रोल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैरावैक्सीन, एक्स्ट्रा, ब्यूटामाइन। ये अंडरलाइन कराया हुआ है ना? यस मैम। हाँ, पेट्रोलियम बनता कैसे है कौन बताएगा? कौन बताएगा पेट्रोलियम बनता कैसे है? ओके, पेट्रोलियम भी एक फ्यूल होती है। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है, जब आप समुद्र में सी में क्या होता है, जो जो एनिमल होते हैं, एक्यूटिक एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो समुद्र के बीच में नीचे की तरफ जाके सेटल हो जाते हैं। कहाँ सेटल हो जाते हैं, जमीन में,
तरफ, हाँ वो सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर उसके उनके ऊपर क्या जम जाती है, मिट्टी जम जाती है ना, जैसे मिट्टी आके उनको कवर कर लेती है और एक लेयर मिट्टी की लेयर बन जाती है, फिर वो तीन चीज वापस होती है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लैक ऑफ क्या क्या मैम, ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, वहां पे जो मिट्टी उसके ऊपर जो मरे हुए जो एक्यूटिक एनिमल होते हैं उस पे जम जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई उसके अंदर, हमारी अर्थ ने क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया, मिट्टी ने ऊपर से क्या किया उसको, हाई प्रेशर दिया, जिसके कारण क्या होता है, वो लाखों मिलियन साल बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट। ओके